ना ही हमारे पास इसे अस्पताल ले जाने का समय है और ना ही यहाँ इसे ऑक्सीजन देने का कोई साधन। और अगर जल्द ही ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं किया तो इसकी जान जा सकती है। एम्बुलेंस में बैठे शिखर से डॉक्टर ये कहता है। शिखर को समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। तभी एम्बुलेंस के बाहर एक खाली पड़ी जगह को देखकर शिखर को याद आता है कि कॉन्सर्ट में भी तो इमरजेंसी के लिए एक एम्बुलेंस आई थी। शिखर तुरंत इवेंट मैनेजर को फोन करता है और कहता है, आपने जो एम्बुलेंस बुलाई थी वो कहाँ है? दूसरी ओर से मैनेजर का जवाब आता है, कॉन्सर्ट खत्म होते ही मैंने उसे वापस भेज दिया था। शिखर यह सुनकर उस मैनेजर को बोलता है, उसे तुरंत यहां वापस आने को कहिए, यहां एक इमरजेंसी है। बस कुछ ही पल के इंतजार के बाद शिखर देखता है एक एम्बुलेंस तेजी से चलती हुई उसकी ओर आ रही है। शिखर तुरंत उस लड़के को दूसरी एम्बुलेंस में ले जाता है। डॉक्टर उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर ऑक्सीजन ऑन कर देते हैं और बस थोड़ी ही देर में उस लड़के को होश आ जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड आकर शिखर का शुक्रिया अदा करती है, लेकिन शिखर अभी भी इसी सोच में खोया हुआ है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लीक कैसे हुआ और स्पीकर्स के तार काटना, वो भी बिल्कुल शो से पहले, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। कोई तो है जो नहीं चाहता कि वो अपने काम में सफल हो और जानबूझकर ये अड़चनें पैदा कर रहा है। इससे पहले कि कोई बड़ी दुर्घटना हो, उसे पता लगाना होगा कि ये सब कैसे हो रहा है। शिखर देखता है कि टेक्नीशियन सारा सामान समेट रहे हैं। वो भागता हुआ उनके पास जाता है और उससे पूछता है, ये तार किसी तकनीकी खराबी की वजह से टूटे थे या? शिखर की बात खत्म होने से पहले ही टेक्नीशियन बोल पड़ता है, नहीं सर, ऐसा कभी नहीं होता कि तार बीच से तकनीकी खराबी के कारण कट जाए। वो तार पर बने निशान दिखाते हुए कहता है, और ये तार अपने आप भी नहीं कट सकते, इन्हें काटा गया है। शिखर सोच में पड़ जाता है कि कोई क्यों ऐसा करेगा, शीना का शो खराब करने में किसी का क्या फायदा हो सकता है। शिखर टेक्नीशियन से पूछता है, तुमने किसी को देखा शो के वक्त यहां से आते जाते हुए, या तुम्हें किसी पर शक हो? टेक्नीशियन कुछ देर सोचता है और अपना बचा सामान समेटते हुए कहता है, मैंने तो नहीं। और फिर वहां खड़े दूसरे टेक्नीशियन एक लड़के की तरफ इशारा करता है और कहता है, ये लड़का बता रहा था जब शीना मैडम स्टेज पर गई तो एक सफेद सूट वाली मैडम को देखा था यहां से तेजी से जाते हुए। शिखर को याद आता है कि सफेद सूट तो आज अनन्या ने पहना है। और यहां से फिर किस तरफ गई थी वो? शिखर उस लड़के की तरफ देखकर पूछता है। लड़का इशारा करके बताता है। शिखर उस तरफ देखता है और उसे याद आ जाता है कि वहीं पर तो एम्बुलेंस खड़ी थी। शिखर के सामने सब पानी की तरह साफ हो गया था कि जरूर अनन्या ने ही स्पीकर्स के तार काटे होंगे और हो ना हो जरूर उसी ने सिलेंडर का ऑक्सीजन भी लीक किया है। अनन्या दूर से देखती है कि स्टेज के पास टेक्नीशियन के साथ खड़ा वो लड़का उसी की तरफ इशारा कर रहा है और शिखर भी उसके साथ खड़ा है और उसी की तरफ देखे जा रहा है। अनन्या को याद है स्पीकर के तार काट कर जब वहां से निकल रही थी तब उसने टेक्नीशियन लड़के को अपनी ओर घूरते हुए देखा था और अब शिखर के साथ उसे इसी ओर इशारा करते देख अनन्या समझ गई थी कि शिखर के सामने उसका राज खुल चुका है। अनन्या के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया। उसे पता था कि शिखर अब सबके सामने उसे जलील करेगा। तभी रवि, शीना और बबीता यहां शिखर के पास आते हैं। रवि शिखर से पूछता है, ये अचानक से स्पीकर्स को क्या हो गया था? ऊपर से एम्बुलेंस का ऑक्सीजन लीक होना, एक साथ दोनों कैसे? शिखर अनन्या की ओर देखता है और अनन्या समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है और मन ही मन अपने आप को सबके सवालों का सामना करने के लिए तैयार करने लगती है। अनन्या मन ही मन बातें कर रही होती है कि तभी उसे शिखर की आवाज सुनाई देती है, किसी ने यह सब जानबूझकर किया था हमें परेशान करने को? शीना हैरान हो पूछती है, कौन है वो? शिखर बड़ी सादगी से जवाब देता है, हमारे साथ साथ किसी और को भी यही वेन्यू चाहिए था और जब उन्हें ये वेन्यू नहीं मिला तो गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा किया हमें परेशान करने के लिए। बबीता कहती है, तब तो हमें केस फाइल करना चाहिए उनके खिलाफ। शिखर सर हिलाते हुए कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता आज के बाद वो हमें कभी परेशान करने वाले हैं।
शिखर की ये बात सुन अनन्या की जान में जान आई। अनन्या मन ही मन खुश होते हुए सोचती है, लगता है शिखर को मेरे किए के बारे में कुछ पता नहीं चला है। शिखर और बाकी सब शो के बारे में बात करते हुए वहां से जाते हैं। अनन्या टेक्नीशियन की ओर बढ़ती है इस बात की पुष्टि करने के लिए कि आखिर शिखर से वो क्या बातें कर रहा था मेरी ओर इशारा करते हुए। अनन्या जैसे ही उस टेक्नीशियन से ये सवाल करती है, जवाब सुन उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अनन्या वही जम जाती है ये सोचते हुए कि शिखर को जब मेरे बारे में सब पता था तो उसने सबके सामने ये बात क्यों नहीं बताई। अपने सवाल का जवाब पाने अनन्या सीधा टूर बस के पास अकेले खड़े शिखर के सामने जा खड़ी होती है और उससे सवाल करती है, जब तुम्हें सारी सच्चाई पता थी तो तुमने ये बात किसी को बताई क्यों नहीं? शिखर अपना मुंह फेरते हुए कहता है, कौन सी सच्चाई, मुझे नहीं पता क्या बोल रही हो तुम। स्पॉन्सर बनकर आई हो तो स्पॉन्सर बनकर ही रहो। बस इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। अकेली खड़ी अनन्या के मन में अब ख्यालों और विचारों के तूफान उठने लगे हैं। शिखर को जब सब सच पता है तो अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहा है वो? क्यों बचाना चाहता है मुझे वो, जिसने हर कदम पर उसे चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी? क्यों है ये दिल का इतना अच्छा कि इससे नफरत करने की कितनी भी कोशिश करूं मगर इसकी अच्छाई से प्यार हो ही जाता है? अनन्या अपने दिल में उठे सवालों के तूफान को शांत नहीं करा पा रही है। एक तरफ उसके मन में शिखर के लिए बे इंतहा प्यार है तो दूसरी ओर उसके लिए उतनी ही नफरत। इस कश्मकश का कोई हल उसे नजर नहीं आ रहा है। दूसरी ओर शिखर और शीना के टूर की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। एक पे एक कामयाब कॉन्सर्ट्स करके अपना नाम और रुतबा बढ़ाते जा रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक बिना किसी अड़चन के शिखर और शीना सफल कॉन्सर्ट्स करते गए और देखते ही देखते वो अपने इस टूर के आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं। आखिरी कॉन्सर्ट के वेन्यू पर पहुंचकर शिखर सबको उत्साहित कर रहा था। बोल रहा था कि आज के इस कॉन्सर्ट में अगर कुछ गलत ना हुआ तो उनके अस्पताल बनाने के पैसे पूरे हो जाएंगे। शिखर की बात सुनकर सब तैयारियों में जुट जाते हैं। शिखर मंच का मुआयना कर रहा था कि तभी बबीता उसके पास आकर कहती है, अब और समय नहीं बचा है तुम्हारे पास, शुभचिंतक का दिया हुआ समय अब खत्म होने वाला है, उम्मीद करो कि आज सब तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही जाए। शिखर भी बबीता की बात समझते हुए कहता है, फिक्र मत करो, किसी भी हालत में मैं आज का कॉन्सर्ट कामयाब करके दिखाऊंगा। लेकिन मानो शिखर की किस्मत में इस कार्यक्रम को चैन से कराना लिखा ही नहीं था। कुछ लोग वहां आकर सवाल करने लगते हैं कि किसका कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पर, कौन है यहाँ का सुपरवाइजर। शिखर उन लोगों की ओर बढ़ते हुए कहता है, मैं हूं यहाँ का सुपरवाइजर, आप सब कौन? वहां से आए झुंड में से एक आदमी आगे आते हुए कहता है, हम राजनीतिक पार्टी पीएमसी के कार्यकर्ता हैं। हमें मुख्यमंत्री महावीर जी से आदेश मिला है कि यहाँ उन्हें आज अपना भाषण देना है, तो उसके लिए आपको अपना कार्यक्रम रद्द करके जगह खाली करनी होगी। शिखर माथे पर शिकन लिए कहता है, ये नहीं हो सकता, हमने ये जगह पहले से ही बुक कर रखी है और अब तो सारी तैयारियां होने के बाद ऐसे अचानक से वापस थोड़ी ना लौट सकते हैं। अगर मंत्री जी को यहाँ अपना कार्यक्रम रखवाना था तो पहले से बुक करना चाहिए था उन्हें। कार्यकर्ता आगे बढ़कर शिखर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, ज्यादा बकवास तो कर मत, देखो ऐसी बात है कि पास से गुजरते हुए नेताजी का कल ही मन बना यहाँ रैली करने का। पिछली बार थोड़े कम वोट मिले थे यहाँ से, चुनाव भी करीब आ चुका है, तो यहाँ मंत्री जी का कार्यक्रम तो आज ही होकर रहेगा। शिखर अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए कहता है, हमने पैसे भरकर इस वेन्यू को बुक कर लिया है और यहाँ आने के पर्चे भी बंटवा दिए हैं, ऐसे में अब जाकर कॉन्सर्ट रद्द करना मुमकिन नहीं है। कार्यकर्ता मुस्कुराते हुए कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारे सारे पैसे तुम्हें वापस मिल जाएंगे, चाहिए तो ऊपर से थोड़ा और भी मिल जाएगा। शिखर सर हिलाते हुए कहता है, मुझे ना तो पैसे वापस चाहिए और ना ही कुछ और, मुझे सिर्फ और सिर्फ आज शाम यहाँ अपना कॉन्सर्ट करना है। कार्यकर्ता अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहता है, क्या मंत्री जी के कार्यक्रम से ज्यादा जरूरी है तुम्हारे ये कॉन्सर्ट? अब तक प्यार से बात कर रहे थे मगर लगता है तुम्हें प्यार से की हुई बातें समझ नहीं आती, लगता है हमें हमारा रौद्र अवतार दिखाना ही होगा। कार्यकर्ता के एक इशारे पर उसके साथ आए बाकी सब वहां तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं।
कार्यकर्ता शिखर की आंखों में आंखें डाले कहता है, यहाँ आने से पहले तुम्हारे बारे में भी जांच पड़ताल करके आए हैं हम। इज्जत तो वैसे ही नहीं है तुम्हारी कहीं। अब ये सोच, अगर मंत्री जी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल दिया अपने चाहने वालों को, तो क्या होगा तुम्हारी बची हुई इज्जत का? ऊपर से उनके एक इशारे पर पुलिस तुम्हें अंदर भी डाल सकती है। अब आगे जो भी बोलने वाले हो सोच समझ कर बोलना। शिखर को कुछ सूझ नहीं रहा है। कॉन्सर्ट नहीं करवाया तो अस्पताल के लिए पैसों में दिक्कत आ सकती है, दूसरी ओर कॉन्सर्ट करवाया तो मंत्री जी उसका नाम खराब कर सकते हैं। शिखर फैसला करते हुए कार्यकर्ता से कहता है, मुझे एक बार मंत्री जी से मिलना है। कार्यकर्ता हंसते हुए जवाब देता है, मंत्री जी के पास तुम जैसे किसी से मिलने का समय नहीं है। शिखर अपने फोन में कुछ देखता है और कहता है, उनसे बस एक बार मिलने के बदले में मैं एक मोटी रकम डोनेट करने को तैयार हूँ। कार्यकर्ता की हंसी गायब हो जाती है जब वो शिखर को अपने पॉकेट में से एक चेकबुक निकालकर उसमें 3 लाख रुपए का अमाउंट लिखता हुआ देखता है और चेहरा बनाते हुए कहता है, रुको, मुझे किसी से इस बारे में पूछना होगा। कार्यकर्ता फोन पर अपनी बात खत्म कर शिखर से कहता है, मंत्री जी तुमसे मिलने को तैयार है मगर सिर्फ 10 मिनट के लिए। शिखर चेक देते हुए कहता है, मुझे मंजूर है। शिखर मंत्री जी के कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहा था अंदर बुलाए जाने का। शिखर का माथा पसीने से भरा हुआ है। शिखर के दिमाग में यही चल रहा है कि मंत्री जी इतनी आसानी से मानने नहीं वाले, और अगर मैं अपने प्लान के लिए उन्हें मना नहीं पाया तो मेरा अब तक का सारा किया कराया पानी में मिल जाएगा। तभी शिखर की इस विचारधारा को तोड़ते हुए कार्यकर्ता कहता है, मंत्री जी तुमसे मिलने को तैयार है, जल्दी करो। शिखर भी अपने बिखरे विचारों को बटोरते हुए मंत्री जी के केबिन में प्रवेश करता है। सामने लगभग 60 साल के मंत्री जी सफेद कुर्ते में मेज के पीछे बैठे कहते हैं, सीधा काम की बात पर आ जाओ, बस 10 मिनट है तुम्हारे पास। शिखर भी तुरंत पलटकर जवाब देता है, आपको जितने भी वोट मिले थे उनमें से सबसे कम युवा वोटर्स थे, मैं आपके लिए युवा वोटर्स लाने में मदद कर सकता हूं। शिखर की बात सुनकर मंत्री जी अपने सामने मेज पर रखे कागज देखना छोड़ अपना पूरा ध्यान शिखर को देते हुए कहते हैं, कैसे? शिखर मुस्कुराते हुए अपना फोन खोलकर मंत्री जी के सामने रख देता है और कहता है, आज शाम को हम जो कॉन्सर्ट करने वाले हैं उनमें लगभग पूरे शहर के युवा आने वाले हैं। इतना ही नहीं, युवाओं के बीच हमारी लोकप्रियता इतनी है कि आसपास के शहर से भी कुछ आने वाला है इस कॉन्सर्ट के लिए। हर वक्त कोई न कोई सोशल मीडिया पर हमारी बातें करता हुआ मिल ही जाएगा आपको। मंत्री जी अपना चश्मा निकालते हुए पूछते हैं, जो भी कहना है साफ साफ बताओ। शिखर बड़ी सादगी से जवाब देते हुए कहता है, क्यों ना आप और हम साथ मिलकर आज शाम का कार्यक्रम करें, इससे हमें भी फायदा होगा कि हमारा शो देखने और दर्शक आ जाएंगे। साथ ही मुझे विश्वास है हमारे साथ जुड़कर आपकी भी लोकप्रियता युवाओं के बीच बढ़ जाएगी। मंत्री जी शिखर पर हंसते हुए कहते हैं, मगर तुम जैसे फर्जी दवाइयां देने वाले और अपना नाम खराब कर चुके याश के साथ मैं भला अपना नाम क्यों जोड़ना चाहूंगा। मंत्री जी की ये बात सुनकर शिखर को इस बात का अंदाजा हो गया था कि शायद उसका प्लान फेल हो चुका है। क्या शिखर मंत्री जी को मनाने में कामयाब हो पाएगा या फिर जाएगा शिखर के सारे किए कराए पर पानी? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय सिर्फ पॉकेट एफएम पर।